हेलो नमस्कार अभिनंदन आभार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आवाज इंडिया पर। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक बेहतरीन और विकासशील योजना के बारे में जिसे शुरुआत की गई है हमारे देश के किसानों के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 80% लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं और गाँव के किसानों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके, यही कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस नई योजना की शुरुआत की है। जी हाँ, यूपी मातृभूमि योजना, जिसके चलते किसानों को मिल रहे हैं बेहतरीन फायदे। और इस योजना के लिए आप किस प्रकार से इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए तथा इसमें किस प्रकार से आवेदन किया जाने वाला है, ये हम आपको बताने वाले हैं हमारी आज की इस खबर में। हम आपको यहां बताना चाहेंगे कि इस योजना का लगभग 50% से अधिक का खर्चा किसानों को सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि प्रदेश के किसान आत्मनिर्भर हो सके तथा बुनियादी ढांचे का विकास हो सके। जी हाँ, इस योजना से हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशालाएं, सार्वजनिक व्यायामशालाएं और पशुओं के लिए अस्पताल और साथ ही साथ अग्निशमक सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। जी हां, किसानों को मिल रहा है ये पहला मौका जहां पर उन्हें ये सभी की सभी सुविधाएं भी मिल रही हैं, साथ ही साथ उन्हें मिल रहा है एक नया मौका यहां पर कमाई का। जी हां, क्योंकि यह सभी गांव के सदस्यों को ही ये सुविधाएं सबसे पहले दिए जाने की बात की जा रही है। यदि आप इसमें भाग लेना चाहते हैं या आप इसकी सुविधाओं का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इस योजना को की शुरुआत अभी की गई है। जी हाँ, और इसके लिए एक वेबसाइट जो है सरकार की ओर से निर्धारित की गई है। जी हाँ, आपको वेबसाइट पर जाकर लगभग यहाँ पर आवेदन यहाँ पर आप कर सकते हैं तथा लगभग यहाँ पर हर किसान को नौकरी की सुविधा मिल रही है क्योंकि हर गाँव में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम और साथ ही साथ व्यायामशाला, सार्वजनिक व्यायामशाला, पशुओं के लिए अस्पताल और साथ ही साथ अग्निशमक सेवा केंद्र की स्थापना किए जाने की बात की जा रही है। तो प्रदेश के किसानों के लिए है एक बहुत बड़ी सूचना और बहुत ही विकासशील योजना है जो प्रदेश में खुशहाली लेकर आ सकती है। दोस्तों, ऐसी ही किसी खबर को लेकर बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।